हॉस्पिटल में आए और ना दिमाग खराब हो गया इतना भयंकर वाला, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रखी है यार, वो क्या करे भाई, कौन सा रह गया यार, ये लो भाई आप लो यार, मैं क्या ही बोलूँ किसी को यार। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज है शिवरात्रि, एंड गाइज आज आप सुबह सुबह ही देख रहे हैं मैं यहाँ पे, हम आज ना सुबह सुबह ही आ गए मछलियों का आटा डालने के लिए, मतलब आटे की गोलियाँ डालने के लिए। पिछले कुछ व्लॉग्स के अंदर मैं यही कह रहा हूँ कि मछलियों को आटा डालने जा रहे हैं, मम्मी मेरे को हमेशा लड़ती है, आटा थोड़ी ना डाल रहे हो तुम, आटे की बनाई हुई गोलियाँ डाल रहे हो। तो गाइज आज ना सुबह सुबह उठे, मंदिर गए और मंदिर जाके फिर घर पे आके दोबारा सो गया मैं, तो क्योंकि रात को लेट सोता हूँ तो नींद आ रखी थी बहुत भयंकर। एंड सबसे बड़ी चीज़ आज ना शाम में हॉस्पिटल भी जाना है, मम्मी का थर्ड डे है रेडिएशन का, रेडियोथेरेपी का, तो उसके चक्कर में शाम को ही जाना है 5 बजे के अराउंड। एंड आज लास्ट रेडिएशन डे है, तो 3 रेडिएशन हुई है मम्मी की, जिसमें से आज थर्ड है, जो कि है लास्ट, डॉक्टर ने 3 ही बोला था। एंड गाइस आज कुछ नई लुक दिख रही होगी आपको, मैंने बाल छोटे करवा लिए, मेरा मन तो था सारे कटवा लूँ एक बार में, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, नहीं कांचा नहीं बनना का, तो यार मेरा मन यही था कि मैं पूरे कटवा लूँ, बट फिर मैंने सोचा इधर उधर जाना पड़ता है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो इसलिए ना मैंने कटवाए नहीं। अभी ना एक छोटे से प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मेरे खुद के प्रोजेक्ट पे, तो जब कटवाऊंगा, जब वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे ना उसके बाद कटवाऊंगा। एक बहुत ही मस्त वीडियो के ऊपर काम कर रहा हूँ मैं, और अभी लिख रहे हैं स्क्रिप्ट धीरे 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 धीरे, तो आपको जल्द पता चलेगी, और काफ़ी अच्छी और काफ़ी एक तरीके से ना वो वीडियो भी मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि लोगों तक एक मोटिवेशन पहुँचे, जो लोग बिल्कुल ही एकदम से ऐसा सोचते हैं कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उस पर्पज़ पे बना रहा हूँ। बहुत सारे पेशेंट्स को एक मोटिवेशन मिलेगा, जो भी लोग हॉस्पिटल के धक्के खा रहे हैं या और बाकी, तो काम कर रहे हैं धीरे धीरे, जब भी कटवाएंगे बाल, अभी कुछ नहीं भाई। क्या खुला तो है भाई, खोलना, अरे भाई मोए खोल दिया भाई, तेरे हाथ तो में जान नहीं है यार। एंड गाइस बहुत लोगों के मैसेज आ रखे हैं कि भाई मोए आजकल सेलिब्रिटी हो गया है, तो भाई मोए तो ऐसी सेलिब्रिटी रहेगा, बोलना नहीं चाहते। एंड बहुत सारे लोगों के इसके पास मैंने मैसेज आ रखे हैं कि भाई तेरे को सब मोए मोए क्यों बोलते रहते हैं, तो हमने इसका नाम ऐसे ही मोए निकाल दिया था, और ये चिढ़ने लग गया उस नाम से, फिर हमने ना अपनी जुबान पे रट लिया वो नाम, जब कोई ज्यादा चिढ़ता है ना तो हम उसको उसी नाम से चिढ़ाने लग जाते हैं, लेकिन अब इसको फील आने लग गई उसमें। अब अगर इसको कोई मोए ना बोले इसको प्यार नहीं झलकता, हाँ। तो इसने अब लड़कियों को भी बोल दिया भाई ने कि भाई मुझे मोए बोला करो प्लीज। लड़कियां चलकेगी मेरे मोए, हाँ 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 मोए, मेरे मोए मोए स्टॉप इट मोए। अभी ना घर पे पहुंच गया, एंड यार यहाँ पे हमेशा की तरह कंस्ट्रक्शन चल रही है, ऊपर वाले फ्लोर पे लेंटर डल रहा है भाई, पता है मैं यहाँ पे रह रहा हूँ ना, मेरे को पता है कैसी फील आती है, जैसे मेरा खुद का ही घर बन रहा है साइड में। कब तक पागल है क्या भाई, अंकल खड़े बाहर सुन ली ना। अभी ना हम पता नहीं अपना डिनर कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, बट यार हॉस्पिटल जाने से पहले ना एक बार हम कॉफ़ी और ये सब पी के जाते हैं, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, 11 बज जाते हैं, तो फिर उसके चक्कर में ना फिर रात को डिनर भी लेट ही आके करना पड़ता, तो हम पेट को थोड़ा भरा रखते हैं ताकि थोड़े एनर्जेटिक रहे बॉडी। नहीं आजकल ये सब करने लग रहा है भाई, छोड़ दे दूसरों की कॉपी मत करा कर, लोगों का काम है हमारी कॉपी करना। कौन कॉपी कर दिया, जो कर रहा होगा ना कॉपी वो हमें ही कर रहा होगा। आंखें बंद करके सॉल्व करने की कोशिश, अरे रहने दे भाई, नहीं होएगा तुझसे, बता देना बस, होएगा जब। पता नहीं कितने टाइम लगा देगा भाई तू, तो कर देगा आज, कर ही दे आज, तो भाई ऑन कैमरा भाई, आज तो मजे आ जाएंगे। हो गया। अरे करने दो ना उसको, अरे भाई टैलेंटेड गाय, टैलेंटेड। तो गाइज अभी ना हम लोग घर से निकल चुके हैं रेडिएशन के लिए, एंड गाइज मेरे को लगता था कि ऐसे ना इवनिंग के टाइम में जब जाते हैं ना अपन तो भीड़ नहीं मिलती, बट ये जो टाइमिंग है ना वो सिर्फ रेडियोथेरेपी के लिए ही है, तो इस टाइम तो बहुत ज्यादा भीड़ मिलती है हॉस्पिटल के अंदर, नंबर भी बहुत देर में आता है, मतलब हम गए थे ना जब परसों, आपने लास्ट वीडियो के अंदर देखा, उस टाइम भी हमारा नंबर है ना 8:30-9 बजे करीब आया था, हम पहुंच गए थे 5 बजे, तब 2-3 घंटे वेट करना पड़ा, और वेट करना भी जायज है गाइज, और भी बाकी लोग होते हैं और भी बाकी पेशेंट्स होते हैं, मम्मी हमेशा बोलती है कि हमसे भी ज़्यादा लोग परेशान है इस जाम में, तो हमें उनकी परेशानियाँ समझनी पड़ती है। अब जैसे ये परेशान है, बताओ ट्रिपलिंग कर रहे हैं, हाँ ये परेशान है, ये भी परेशान है, जैसे 2 आ सकते थे लेकिन नहीं 3
जा रहे हैं और वो भी बिना हेलमेट के, परेशानी है गाइस, मजबूरी है। ऐसी मजबूरियां ना करें जिंदगी के अंदर। अगर आपको तीन तीन बैठ के जाना भी है, कोई ज्यादा बड़ी मजबूरी है, तो हेलमेट का प्रयोग करें। आंटियों की ज्यादा मजबूरी आज शिवरात्रि वाले दिन, आंटी तीन तीन बैठ के पता नहीं कहां जा रही है। ये सही है। तो गाइस हम ना जब भी यहाँ पे आते हैं ना, हमें ये जगह पता नहीं क्यों खाली मिलती है। ये स्पेशल हमारे लिए लगा के जाता है कोई खाली, क्या रहे हैं VIPs। मैं तो नहीं हूँ, मम्मी VIP है गाइस। दो गज की दूरी और मास्क जरूरी, बट आपके लिए दो गज की दूरी जरूरी नहीं है, आपके लिए इन्फेक्शन से बचना जरूरी है। गाइस आज तो ना भीड़ भी नहीं लग रही, आज बल्कि खाली हो गया, क्योंकि आज सैटरडे भी है। नो OPDs, सिर्फ रेडिएशन वाले पेशेंट मिलते हैं इस टाइम 5 बजे के लगभग। और आज तो सही टाइम पे पहुंच गए हम, थोड़ा सा लेट लग रहा था मेरे को, बट सही पहुंच गए। बट अभी देखते हैं यार, अंदर जाके ना बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, तो इसलिए थोड़ा नंबर लेट ही आता है। गर्मी में लोन भरे रखते हैं। लोन गर्मी में क्यों, गर्मियों में कैसे भरे रहेंगे लोग आज थ्री पेशेंट के साथ, तो फिर गर्मी में थोड़ी ना बैठेंगे, धूप में पेड़ की छाया बैठेंगे। ये इसलिए तो लगा रखे ये वाले पेड़, यहाँ बीच में घुस के बैठ सकते हैं ना इसमें। अबे साले नहीं गाइस, काफी अच्छा हॉस्पिटल है, अंदर से भी काफी अच्छा है, इंटीरियर इतना मस्त है। पेशेंट एक तो एक होता है ना कि यार हॉस्पिटल में जाने के बाद एक बहुत गंदी फीलिंग्स आती हैं, यहाँ बहुत अच्छी वाइब्स है, मतलब अंदर पूरा है ना प्राइवेट की तरह। तो गाइस शाम को जाना फिर? हाँ मंडे को 5 बजे शाम में। गाइस ये ना लोल हो गया हमारे साथ में, हमारे साथ हो गया, सही आया तो यहाँ पे आने के बाद तो लोल हो गया, डॉक्टर ने लोल कर दिया हमारे साथ में। गाइस पता क्या बोलते हैं कि सैटरडे को ना 5 बजे आना है, और ये देखो यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है पे 5 PM और पीछे डेट भी डली हुई है 18। एंड यहाँ पे आए ना तो ये बोल रहे सैटरडे को रेडिएशन से लगती नहीं है, तो हो सकता है कि शायद डॉक्टर को ध्यान ना रहा हो ये चीज़ कि सैटरडे पड़ रहा है 18 का। अब यार पता नहीं, डॉक्टर ही जाने, मंडे को ही बात करेंगे। वेस्ट हो गया हमारा आना, इतनी भागा दौड़ी करके आए हम। स्टेयर से चलना है, स्टेयर से चल लो। हॉस्पिटल में आए और ना दिमाग ख़राब हो गया, इतना भयंकर वाला एकदम। ये चीज़ है कि हम लोग तो कर रहे हैं, बट यार पेशेंट और जो बाकी है जिनको ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही गहरी प्रॉब्लम्स हैं यार, वो कितने परेशान होंगे। कोई बाहर से आ रहा है, या तो इसके आगे कॉलम और डालें कि प्रॉपर तरीके से कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन इसमें कॉलम डालने की भी कोई गलती नहीं है। डॉक्टर ने यहाँ पे ही पहले ही लिख दिया था कि 5 बजे आना है शाम में, PM बाकायदा PM डाल रखा है और पीछे डेट्स भी लिख रखी है, ना कुछ बताया ना कुछ। और क्या ही कर सकते गाइस, अब कुछ नहीं कर सकते, अब मंडे को आना पड़ेगा दोबारा। सभी ने मम्मी पापा से बात कर रही है, कह रही है ये क्या लोल हुआ है हमारे साथ, हमें नहीं पता है यार। मैं क्या ही बोलूँ किसी को यार, कोई है नहीं, हम सारे गार्ड गार्ड को डॉक्टर ही को नहीं यहाँ पे फिलहाल। बैठो भाई राम प्यारी में बैठो, चलो वापस डॉक्टर से बोल देना 800 रुपये दे दो तेल के, ठीक है ना, फालतू में हमारा तेल और वेस्ट करवा दिया। गाइस लिटरली बता रहा हूँ, ये मेरे को ना उस चीज़ के ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा कि वो मिले नहीं, मतलब यार पेशेंट कितना परेशान हो जाता है। ये चीज़ तो हम थोड़ा पॉजिटिव है और हम इस चीज़ को लेके थोड़ा सा ऐसे चलते हैं कि कोई नहीं, लेकिन अगर कोई बंदा है जिसको सच में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखी है यार, वो क्या करे। वो कोई एक बंदा है, वो बहुत दूर से आ रहा है अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए, उसके पास आप ये लगा लो उसके पास ट्रैवलिंग के इतने पैसे भी नहीं है, वो कहीं ना कहीं से लोन लेके किसी से उधारी मांग के वो आ रहा है यहाँ तक, और आने के बाद उसको ये सब चीज़ देखने को मिले, अब वो क्या करे। अब वो 2 दिन तक कहाँ पे स्टे करेगा, सोचने की बात है। गलत चीज़ है गाइस, पता नहीं, मेरे तो समझ से बाहर है सारी चीज़ें। सिस्टम है, सिस्टम के साथ लड़ भी नहीं सकते हम। क्या करूँ, जिंदगी में दुखी कम नहीं हो रहा है गाइस। मैंने आपको कि इंसान शारीरिक पीड़ा से परेशान नहीं होता कभी भी, मानसिक पीड़ा से परेशान होता है। तो गाइस ये ना मानसिक पीड़ा ही है, मतलब कि दिमाग के अंदर कुछ कुछ चलना, जैसे अब भड़क हो गई इस चीज की कि मंडे को दोबारा आना है। पहले ये था कि सैटरडे को हो जाती, आज सही है, आज हो जाती, आज दिमाग से सब सेटल हो जाता तो, बट वही है, इसको मानसिक पीड़ा बोलते हैं। मानसिक पीड़ा खराब हो जाती है इंसान की एकदम से। सही बात है, देखो मैंने बोला लेकिन आ तो गए ना, चाहे वो कैसे ही आए जल्दी ना। मैं हमेशा यही चीज बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ मैं, अपने पेरेंट्स को नहीं सबको, हमें ना ये चीज मैंने मम्मी से सीखी है वैसे, हमें ना हमेशा अच्छा बोलते रहना चाहिए, हमें कभी बुरा सोचना भी नहीं चाहिए, हमें कभी बुरा बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो ये वर्ड्स होते हैं ना ये चारों तरफ पूरे ब्रह्मांड में हमारे घूमते रहते हैं। अगर हम किसी को उल्टा बोलेंगे गलत बोलेंगे तो वो हमारे ऊपर ही लागू होंगी वो सारी चीज़ें, हमें ही कुछ ना कुछ ऐसे उल्टा सुनने को मिलता रहेगा। तो अच्छे बोलते रहना चाहिए, अच्छी चीजें होती है लाइफ के अंदर। तो गाइस अभी ना भाई कौन सा रह गया यार, ये लो भाई आप लो चीज खाओ आप, ये लो।
तो गाइज अभी ना कुछ बच्चे मिल गए थे, एक्चुअली क्या हुआ हम रोड के ऊपर जा रहे थे, ये ना ऐसे लेजर मार रहे थे मेरे ऊपर, तो मैं रोक के इनको बोलने लग गया, मैं बोला यार ऐसे मत करा करो किसी का एक्सीडेंट भी हो सकता है, फिर ये डर के भागने लग गया, मैं बोला इधर आओ। एक सीन और हो गया घर पे आते के साथ, पता नहीं हमारे जो घर की जो मेन वायर है ना जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो पास होती है पूरी, वो मेन वायर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई और घर के अंदर करंट आ रहा था, तो नीचे जो लैंड लॉर्ड्स है ना उनके पापा बता रहे पीछे से पटाखे बज रहे थे, पता नहीं पूरी रात कैसे निकलेगी बिना लाइट के। भाई तू लाइट मत जला यार, ये देख, ओ ओ बंद कर दे इसे। क्या लैंटर डलने के, ये लैंटर तो इनका पहले भी डला था, मतलब कि वो क्या बोलते हैं उसको, पहले फर्स्ट फ्लोर पे, आज इसलिए पता है क्यों दिया है, कंप्लीट हो गया अब इसके बाद लैंटर नहीं डलेगा। हाँ कंप्लीट इतना ही बना रहे होंगे ना ये दो मंजिली। बिना हम इस ब्लॉग को यही पे एंड करते हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और बाकी की वीडियोस के लिए देखते रहिए धीरू बीरू ब्लॉग्स। राधे राधे।